IPL 2022 के रिटेंशन प्रोसेस के बाद अब सभी ऑटो टीमों ने यहाँ पर मेगा ऑक्शन की तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन मेगा ऑक्शन से पहले अब तीन IPL टीमों के लिए बड़ी कुछ खबरें निकल गई, जहां पर तीन IPL टीमों को अब मेगा ऑक्शन से पहले बड़ा फायदा हुआ है। मैं इस वीडियो में आपको उन तीनों टीमों के नाम बताऊंगा, आपको बताऊंगा मेगा ऑक्शन से पहले आखिर किन कारणों के चलते हुए इन टीमों को फायदा हुआ या फिर इन टीमों के लिए बड़ी कुछ खबरें निकल गई है। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि मेगा ऑक्शन से पहले कौन सी तीन टीमों के लिए क्या बड़ी कुछ खबरें निकल करी। इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है पंजाब की टीम का। दरअसल पंजाब की टीम ने अब मेगा ऑक्शन से पहले केवल दो ही प्लेयर्स को रिटेन किया, मयंक अग्रवाल को, अर्शदीप सिंह को इस टीम ने रिटेन किया। इन प्लेयर्स को रिटेन करने पर केवल यहां पर 18 करोड़ का इस टीम का पर्स बैलेंस कटा है। अब इस टीम के पास 72 करोड़ का यहां पर पर्स बैलेंस बचा है। तो मेगा ऑक्शन से पहले अब इस टीम के पास काफी अधिक यहां पर पर्स बैलेंस बचा है। इस टीम के लिए बड़ी कुछ खबर है कि मेगा ऑक्शन में अब जिस प्लेयर को चाहे उस प्लेयर को ये टीम परचेज कर सकती है। फॉर एग्जांपल राशिद खान को, वार्नर को, शिखर धवन को और हो सकता है कि बेन स्टोक्स जैसे ऑलराउंडर को अब ये टीम परचेज कर ले। जहां पर राशिद खान और डेविड वार्नर को तो ये टीम परचेज करना चाहती है, धवन को भी ये टीम परचेज करना चाहती है, इवन वार्नर को ये टीम कप्तान बनाना चाहती है। तो इस टीम के लिए बड़ी खुशखबरी है, मेगा ऑक्शन में ये टीम इन प्लेयर्स को परचेस कर सकती है। काफी अधिक पर्स बैलेंस होने के कारण बिना किसी समस्या के ये टीम इनको परचेस कर सकती है। बात करते हैं दूसरे टीम की, तो दूसरे नंबर पर नाम आता है हैदराबाद की टीम का। दरअसल हैदराबाद के पास भी यहां पर 67 करोड़ का बड़ा पर्स बैलेंस है, जहां पर विलियमसन को, अब्दुल समद को, उमरान मलिक को अब रिटेन करने के बाद 33 करोड़ कट होने के बाद 67 करोड़ का अब इस टीम के पास पर्स बैलेंस है। ये टीम बेन स्टोक, हार्दिक पांड्या, जोफ्रा आर्चर को अब यहां पर परचेस करना चाहती है। और इतना अधिक पर्स बैलेंस होने के कारण अब ये टीम बिना किसी समस्या के इन तीनों ही प्लेयर्स को परचेस कर पाएगी। इसके अलावा हो सकता है कि ये टीम और भी एक आधे बड़े नामी प्लेयर्स को अब परचेस कर सके। तो मेगा ऑक्शन से पहले बड़ी कुछ खबर है कि यहां पर अधिक पर्स बैलेंस होने के कारण ये टीम भी MICS को और उनसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर्स को परचेस कर सकती है। जबकि तीसरे नंबर पर नाम आता है RCB की टीम का। तो RCB की टीम के पास भी यहां पर 57 करोड़ का पर्स बैलेंस होने के कारण ये टीम भी यहां पर लोकी फर्ग्यूसन, खगीसर वाड़ा, बेन स्टोक्स को अब परचेस कर सकती है। इन प्लेयर्स के साथ इस टीम ने मेगा ऑक्शन से पहले अब बातचीत करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि ईशान किशन को भी ये टीम परचेस कर ले, ईशान किशन भी मेगा ऑक्शन का भाग बनेगा। तो यहां पर इतना अधिक पर्स बैलेंस होने के कारण अब इन प्लेयर्स को ये टीम परचेस कर पाएगी। तो कुल मिलाकर मेगा ऑक्शन से पहले अब इन तीनों टीमों के लिए बड़ी कुछ खबर है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इन तीन में से कौन सी टीम अपने पर्स बैलेंस का आखिर सबसे बढ़िया यूज कर पाएगी और कौन सी टीम सबसे बढ़िया प्लेयर्स को अब परचेस कर पाइए, आप अधिक से अधिक कमेंट भी जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।